के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। 10 अगस्त को लखनऊ से राष्ट्रपति लाइव डेमो के माध्यम से करेंगे शिल्पकारों से सीधा संवाद। ऋण और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का भी करेंगे वितरण, जिलाधिकारी ने दी जानकारी। बदमाशों ने एक व्यक्ति पर केमिकल फेंक कर की 60,000 रुपए की लूट, बदमाशों की धरपकड़ में जुटी पुलिस। बहुजन समाज पार्टी पिछड़ा वर्ग सम्मेलन हुई संपन्न, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आरएस कुशवाहा ने कहा कि 2019 की लोकसभा के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीट हासिल करने का है लक्ष्य। जिलाधिकारी ने अपने गोद लिए गांव रामनगर करजहा में लगाया चौपाल, 12 गर्भवती माताओं को गोद भराई, 4 बच्चों का जन्मदिन के साथ ही 4 बच्चों का किया अन्न प्राशन। प्लास्टिक और थर्माकोल से बने सामानों पर एक साल तक प्रतिबंध में छूट की मांग को लेकर गोरखपुर प्लास्टिक एसोसिएशन के सदस्यों ने निकाला विरोध जुलूस। महापौर ने नेहरू पार्क में नागरिकों को वितरित किया कपड़े का झोला, कैरी बैग के प्रयोग को बंद करने का किया अपील। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई मध्याह्न भोजन योजना की टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। महापौर और नगर आयुक्त ने नेहरू पार्क का किया निरीक्षण, 4.5 करोड़ की लागत से बदलेगी पार्क की सूरत। नगर आयुक्त ने कहा 15 अगस्त को वृक्षारोपण कर महानगर को करेंगे हरा भरा। शिक्षा माफियाओं पर लगाम कसने और भ्रष्ट शिक्षा अधिकारियों पर कार्रवाई किए जाने सहित कुल 10 सूत्रीय मांग को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय परिसर में दिया धरना। बेसिक शिक्षा परिषद के जर्जर भवनों का होगा मरम्मत, जिलाधिकारी ने कहा बच्चों को पढ़ाए सुरक्षित स्थान पर। ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षित यात्रा के लिए जीआरपी ने जारी किया पोस्टर, सीओ जीआरपी ने कहा जहर कुरानों से सचेत रहने और सुरक्षित यात्रा के लिए जारी किया गया है पोस्टर। पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ चेतन नारायण गुट के सदस्यों ने निकाला मशाल जुलूस। स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर किए जाने की मांग को लेकर फार्मासिस्ट फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सदस्यों ने कमिश्नर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को प्रेषित किया ज्ञापन। क्रांति दिवस के अवसर पर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एकजुट हुए कर्मचारी शिक्षक और अधिकारी, उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित किए जाने की मांग को लेकर गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना, प्रशासनिक भवन के गेट पर की तालाबंदी। जाति प्रमाण पत्र सहित विभिन्न मांगों को लेकर अखिल भारत वार्षीय गौंड महासभा ने किया प्रदर्शन। गोरखपुर न्यूज टीवी चैनल की एंकर दिलजीत कौर के ससुर का हुआ आकस्मिक निधन, लोगों ने दी श्रद्धांजलि। और 9 सूत्रीय मांग को लेकर उत्तर प्रदेश किसान सभा ने किया प्रदर्शन, आंदोलन की दी चेतावनी।